हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे, उम्मीद करता हूँ आपसे सही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज पल्सर 160 के बारे में, BS6 मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे बाइक की स्पेक्स क्या क्या है, बाइक माइलेज क्या है, प्राइस क्या है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं बाइक में स्पेक्स क्या क्या। पहले तो बाइक आती है 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल ऑयल कूल ट्विन स्पार्क BS6 DTSI FI इंजन के साथ, और डिस्प्लेसमेंट इस बाइक की 160 cc की होगी। और कूलिंग सिस्टम इस बाइक में ऑयल कूल आएगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और स्टार्टिंग इसमें किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों आएगा। आपको जहाँ तक पता होना चाहिए भाई, 200 cc में किक नहीं आता, 160 में ही किक आता है। तो इसमें किक एंड सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों मिलेगा। गियरबॉक्स इस बाइक में 5 स्पीड का गियरबॉक्स आएगा, और स्पीडोमीटर इसमें डिजिटल आएगा, और टैकोमीटर इसमें एनालॉग आएगा, ऑडोमीटर डिजिटल आएगा, ट्रिप मीटर डिजिटल आएगा, और फ्यूल गॉज डिजिटल आएगा। और कंसोल इस बाइक का एनालॉग एंड डिजिटल दोनों दिया गया, मतलब दोनों मिक्स है, इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल दोनों है। और फ्रंट सस्पेंशन की जाने बाइक की, तो टेलिक स्पोक विद एंटी फ्रिक्शन ब्रेक्स के साथ आएगा, और सस्पेंशन बाइक का नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर के साथ आएगा। बाइक की फ्यूल कैपेसिटी जान ले तो 12 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी अच्छी बात है, 12 लीटर बहुत ज़्यादा हैं। तो करीबन इस बाइक का वेट जो होगा 151 kg का होगा। अब इसके जाने तो LED यूज़ किया गया है कि नहीं, सबसे बड़ी क्वेश्चन। तो मैं बता दूँ, इसमें हेडलाइट्स का हेलोजन ही होगा, LED नहीं दिया गया। टेल लाइट LED होगा, बट हेलोजन इसका सॉरी हेडलाइट इसका हेलोजन ही होगा। और टायर साइज जान लो इस बाइक की, तो 1917 की, और रियर साइज इस बाइक की 120 AT17 की है। और टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, हमारी प्लस पॉइंट की बात है। आना चाहो कि भाई बाइक में 12 चैनल EBS आएगा, सिंगल चैनल EBS आएगा। मैं अब बता दूँ सबसे अच्छी बात, मुझे सबसे अच्छी सारे बाइक में यही लगती है, सबसे यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, बाइक में सिंगल चैनल EBS है, 12 चैनल EBS है। मैं बता दूँ बाइक में सिंगल चैनल EBS है, इस बाइक में 12 चैनल EBS नहीं आता। लेकिन काफ़ी अच्छी बात है, 160 सेगमेंट में आपको सिंगल चैनल EBS मिल रहा है, और ये काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक है। मैं इसको चलाया भी हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी चल भी रही है, और चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। मुझे बहुत अच्छी बाइक लगी ये, मुझे लगता है कि अपाची से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगी, और अपाची से ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। अब जानना चाहोगे बाइक की प्राइस क्या है भाई, तो मैं बाइक की आपको प्राइस बताने से पहले ये बता दूं कि आप बाइक लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे। अगर प्राइस सुनने के बाद आप पूछोगे, पहले प्राइस बता देते हैं कि बाइक की जो एक्सोरूम प्राइस है वो 1,07,091 रुपये है, और ऑन रोड प्राइस जाना चाहोगे दिल्ली की, तो ये बाइक 1,24,457 रुपये, मतलब 1,30,000 के अंडर में आपको ये बाइक मिल जाएगी ऑन रोड। तो भाई बाइक लेना चाहोगे तो बाइक ले सकते हो, क्योंकि बाइक मैंने भी चलाया है, मैं आपके चलाने के बाद आपको बता रहा हूँ, बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी तेज चलती भी है, और काफ़ी अच्छी भी चलती है, स्मूथ भी चल रही है बाइक। तो मैं बोलूँ तो अपाची और पल्सर में आप कंफ्यूज हो, तो मैं बोलूँ कि आप NS160 को ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।